अल्लाह लेकुम कैसे हैं आप लोग अल्लाह का मैं ठीक हूँ और आप भी इन ताला ठीक ठाक होंगे अच्छा जी सुबह का टाइम नहीं है मतलब कि बिल्कुल सुबह सुबह नहीं है सुबह के बाद का टाइम है तो हजबैंड मेरे चले गए थे और हमजा भी सो सो रहा था इसको मैं उठा रही थी कि हमज़ा उठ जाओ क्योंकि स्कूल जो है फिर से बंद हो गए हैं और बच्चे जो है फिर से रिलैक्स हो गए हैं और आराम से सोते आराम से जागते हैं तो यही कुछ हो रहा है तो अभी हमजा था और मैं थे क्योंकि मेरी बेटी जो है उसको कॉलेज में उसका थोड़ा सा काम था तो वो मेरे बेटे के साथ जो है वो दोनों कॉलेज चले गए थे तो काम वगैरह मैंने सारा कर लिया था और अभी मैं हमज़ा को इसलिए उठा रही थी कि ये जो है इसको मैं नाश्ता बना के दूँ तो अभी मैंने इसको उठा के आ गई थी और उसे मैंने पूछ लिया था कि क्या खाना है नाश्ते में तो आज ये मुझे कह रहा था कि मामा आज मुझे जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना के दो तो बस मैं उसके लिए जो है यहाँ पे फिर फ्राइंड टोस जो है वो बनाने लग गई तो अभी सिर्फ मैं उसके लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं है वैसे भी मीठी चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं होती मिठाई केला <laughs> और कुछ मीठी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हाँ कभी मेरा दिल हो खाने को तो फिर मैं फिर चाहे जितना भी खा लूँ लेकिन बहुत कम तो बस अभी मैं जो है उसके लिए बना रही थी तो उसके लिए भी जो है मैं बस अभी दो ही बनाए थे क्योंकि बज दफ़ा जो है ना वो फिर ज़्यादा बना लूँ तो फिर खाता नहीं है तो आज मैंने फिर दो ही बनाए तो बस इसके लिए जो है मैंने दो बना लिए थे लेकिन उसके बाद जो है जब उसने खा लिए तो उसको भूख ज़्यादा थी तो उसने कहा कि मामा आपने दो क्यों बनाए ज़्यादा क्यों नहीं बनाए तो मैंने कहा अच्छा मैं जो है ना फिर आपको और बना देती हूँ तो फिर उसको जो है ना मैंने दो और बना के दिए थे जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई तो बस यहाँ पे जो है फिर मैंने उसको बना के अभी बना रही हूँ उसके लिए बना के मैंने उसको दे दिए थे और यहाँ पे जो है भोलू देखें जो है सो रहा था तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि इसके इनके बाल होते हैं ना बहुत ज़्यादा तो इनको फिर गर्मी बहुत लगती है तो अभी ये ठंडा ठंडा फर्श इसको लगा तो ये ठंडे फर्श पे जो है ना आराम से सो रहा था तो बस ना नाश्ता मैंने हम को दे दिया था तो उसके बाद जो मैंने मतलब मैंने सोचा कि आज कुछ पकाने का भी जो है कर लूँ तो फिर मैंने आज ये सोचा कि चलो आलू के कबाब बना लेती हूँ तो फिर मैं नीचे चली गई सब्ज़ी की दुकान पर हम सब्ज़ी की दुकान जो है नीचे बिल्कुल नीचे उतरते ही ना सामने ही है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता तो फिर मैंने नीचे आके जो है सॉरी मैंने फिर आलू लिए और प्याज भी नहीं थे तो फिर मैंने वो भी लिए और जो कुछ नहीं था मैंने वो लिया तो आज दिल कर रहा था कि आलू के कबाब बनाए क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना सालन और चावल इस तरह की चीज़ें बन रही थी तो दिल नहीं कर रहा था कि कोई सालन वगैरह बनाए कोई चीज़ इस तरह की तो मैंने कहा चलो इस यही बना लेते हैं चिकन और आलू के कबाब जो है वो आज वो बनाते हैं तो आज मेरा दिल कर रहा था तो बस यहाँ पे जो है मैंने आलू और प्याज और धनिया वगैरह मैं ले आई थी तो उसके बाद जो है मुझे भी भूख लग गई तो मेरा भी दिल नहीं था पराठे वग़ैरह कुछ इस तरह की चीज़ खाने का तो फिर मैंने भी जो है सोचा कि चलो मैं फिर ऑमलेट खा लेती हूँ तो बस ऑमलेट में जो है मैंने प्याज नहीं डाला उसमें मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया और मतलब लाल मिर्च थोड़ी सी और नमक डाल दिया था जी तो नाश्ता मेरा बन गया था थोड़ा सा गला ख़राब हो गया सॉरी नाश्ता मैंने बना लिया था और चाय भी मैंने जो है वो बना ली थी तो यहाँ पे आके मैं दरवाज़ा मैंने खोला हुआ था तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है कभी जो है ना बादल बन जाते थे और कभी मतलब कि हल्की सी धूप आ जाती थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं फिर यहाँ पे दरवाज़ा खोल के और सामने बैठ गई और यहाँ पे मैंने कहा चलो नाश्ता आराम से बैठ के करती हूँ और साथ साथ जो है मौसम जो कभी धूप और कभी बादल बन रहे हैं वो भी देखती रहती है तो नाश्ता मैंने कर लिया था अभी मैं चाय पी रही थी तो उसके बाद जो है ना ये देखे भोलू यहाँ आके बैठ गया जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं ना इधर का तो ये भाग के फ़ौरन से आके ना यहाँ बैठ जाता है और बस देखता रहता है और कभी इधर चला जाता है कभी उधर और यहाँ पे अब भी ये इतना तेज़ हो गया है ना कि ऊपर जंप लगा के ना ये दीवार पे चढ़ जाता है और अभी अभी जो है ना थोड़ी देर पहले इसने एक गमला भी तोड़ दिया था जो पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था छोटा खाली था तो इसलिए इसने जंप लगाया ना ऊपर तो पता नहीं कैसे इसने तोड़ दिया तो बस ये दीवार पर चढ़ते हैं और साथ वाले जो है फ्लैट में चला जाता है फिर हम इसको जो है ना वहाँ से पकड़ के ले आते हैं तो बस ये इसी तरह करता रहता है अभी भी इस साइड पे जो है ना ये चला गया था और हमजा जो है इसको वहाँ से इधर ले आया था तो अभी ये फिर जो है ना बाहर निकल गया और बस यहाँ पे खड़ा भी है ये, ये सोच रहा है कि मैं मतलब इस साइड पे जाऊँ या इस साइड पे जाऊँ कहाँ जाऊँ तो बस जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बस हमारी ड्यूटी जो है ना सबकी लग जाती है कि इसका ध्यान रखना है कि ये कहीं चला ना जाए तो बस उसके बाद जो है मैं सामने बैठ गई थी और मैंने कहा चलो जहाँ बैठ के जो है ना मैं सब्ज़ी बना लूँ सब्ज़ी क्या जो आलू मतलब मैं लेके आई थी तो मैंने कहा उसको आलूओं को जो मैं काट लूँ और जो चीज़ें बनानी है तो वो फिर यहाँ पर बना लूँ तो बस मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा भूल पे भी नज़र रखूँगी कि सामने कहीं फिर इधर उधर फ़रार ना हो जाए तो सामने मैं बैठ जाती हूँ तो बस यहाँ पे जो है मैं करूँगी आलू काटूँगी छीलूँगी और उसके बाद जो है फिर आ, बाकी चीज़ें भी कर लूँगी तो वहाँ पे जो है ना लाइट चली गई थी अंधेरा हो गया था तो फिर वो वहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया था तो बस आलू वगैरह मैंने काट लिए थे और अभी मैंने उन आलूओं को जो है ना मैं इस तरह पहले काट लेती हूँ फिर मुझे आसानी होती है मतलब फिर छीलने नहीं पड़ते गरम गरम ना तो मैं पहले छील लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर उस इनको जो है ना मैं फिर उबालती हूँ तो बस यहाँ पे मैंने काट के और उस उनको मैंने धो लिया था और धनिया और मिर्ची वग़ैरह भी जो है ना मैंने आ, वो भी सारी धो ली थी तो बस इनको मैं जो है अभी बॉयल करूँगी चिकन को भी जो है मैं बॉयल कर लूँगी अलग से तो बस यहाँ पे मैं ये दोनों चीज़ें बॉयल कर ली थी एक तरफ आलू और एक तरफ जो है ना मैंने चिकन रखा हुआ था तो हल्का सा दोनों में नमक डाल के मैंने उबाल लिया था और उसके बाद जो है मैंने उनको पीस लिया था और चिकन भी जो है छोटे छोटे मैंने पीस कर दिए थे बिल्कुल तो वो मैंने आलू में मिक्स कर दिए और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन वो मैं लाजमी डालती हूँ अजवाइन जब भी मैं आलू के बनाती हूँ ना तो बारीक प्याज हरा धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें नमक ये सब कुछ डाल के तो फिर मैंने जो है फटाफट से बना ली टिकियाँ उसकी कबाब टिकियाँ जो भी कह लें तो देखिए कितनी स्पीड से मैंने बनाई है, तो बस सब भी ये मैं बना लूँगी और उसके बाद जो है ये देखें जी फटाफट से मैंने बना ली और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ अंडा मैंने अभी फेंट लिया था तो फेंटा नहीं था अभी मैंने तोड़ा था बस तो यहाँ पे मेरे पास बस धनिया था और हरी मिर्ची थी पुदीना नहीं था मेरे पास तो थोड़ा सा जीरा और धनिया और मिर्चें उनको मैंने पीस के जो है ना चटनी बना ली और दही में जो है ना मैंने फिर मिक्स कर दिया था तो ये भी बन गया उसके बाद जो है टिक्कियाँ बन गई थी और ये बर्तन मैंने साथ ही जो है ना धो लिए थे और यहाँ पे मैंने गिलास एक टूटा था तो इसमें जो है ना मैंने मनी प्लांट यहाँ पे भी आ, लगा दिया छोटा सा और यहाँ पे जो है मैं मौसम भी बार बार देख रही थी कि शायद जो है न बारिश आ जाए तो बस उसके पास जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनको भूख ज़्यादा लगी हुई थी तो कह रहे थे कि बस जल्दी से जो है ना मुझे खाना दे दो तो बस मैं यहाँ पे जो है रोटी बनाने लग गई जल्दी जल्दी से और साथ जो है ना मैंने कबाब फ्राई भी रख दिए थे करने के लिए तो बस ये देखिए पीछे अभी पेड़े कुछ पड़े हुए हैं तो मैंने उनको जल्दी से जो है ना उनकी मतलब रोटी बना के दे दी थी तो उसके बाद ये वो कुछ चीज़ें लेके आए थे मंगवाई थी जो ख़त्म हो गई थी तो ये वाला जो येलो सन सिल्क है ये वाला मैं बहुत देर से जो है ना मतलब यूज़ कर रही हूँ और इस ये जो है इस आ, मतलब यही मुझे सूट करता है मेरे बालों में इसके अलावा मैं मतलब कोई भी लगा लूँ ना चाहे एक दिन भी कोई लगा लूँ कोई दूसरा शैम्पू तो इस तरह होता है जैसे बाल जो है ना मतलब झाड़ू जैसे बन गए हैं तो दूसरा जो है मेरी बेटी ने मंगवाया था कह रही थी कि मैं ये ट्राई करूँगी तो उसके बाद जो वो मेरे हस्बैंड मिठाई भी ले आए थे तब भी मैंने बनाई थी चाय और अभी हम पियेंगे चाय और साथ खाएंगे मिठाई तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा शेयर अगर दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा और जो न्यू है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कुछ भी नहीं होगा बस अंगूठा लगाएं जल्दी से अभी अभी लगा दें तो लाइक हो जाएगी तो ओके जी अल्लाह हाफिज